शिक्षण संस्थान दरभंगा। टुडे आई विल टीच केमिस्ट्री फॉर क्लास 9 एंड माय टॉपिक इज द सॉलिड स्टेट। पिछले क्लास में स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था सॉलिड स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कि सॉलिड स्टेट का क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा, आज मैं इस लेक्चर को आगे ले जाऊंगा और जो जो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाया था सॉलिड स्टेट का, आज उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, सॉलिड स्टेट का फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बताया था द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड। सॉलिड का जो पार्टिकल होता है वो टाइटली पैक्ड होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं द पार्टिकल ऑफ सॉलिड, द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड, टाइटली पैक्ड। सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। अब इसका क्या मतलब है टाइटली पैक्ड, टाइटली पैक्ड का मतलब होता है कि छोटा सा एग्जांपल देके बता रहे हैं। जैसे मान के चलिए ये एक पार्टिकल है, अब ये दूसरा पार्टिकल है, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ। आप यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं जितने भी पार्टिकल है वो सब एक दूसरे से कितने सटे हुए हैं, आप कह सकते हैं कि एकदम टाइट पैक्ड है। टाइट कोई भी चीज कब होगा, जब वो एकदम कसा हुआ होगा, एक दूसरे से सटा हुआ होगा, तब ना हम बोले कि टाइट है। और कोई भी चीज लूज कब होता है, जब वो हटा हटा होता है। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो टाइटली पैक्ड होते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे से सटे सटे हुए हैं, दैट्स वाई सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था द शेप ऑफ द सॉलिड इज फिक्स्ड। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो सॉलिड का जो शेप हो गया वो फिक्स हो गया। सॉलिड का शेप कब डिफरेंट होगा, जब ये पार्टिकल अपने जगह से हट जाएगा। तो अगर ये पार्टिकल अपने जगह से हट जाएगा तो सॉलिड का शेप कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। पहले सॉलिड का शेप कैसा था, कुछ ऐसा था, बट एक पार्टिकल के हट जाने की वजह से इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। तो सॉलिड का शेप फिक्स होता है। सॉलिड का शेप क्यों फिक्स होता है, क्योंकि सॉलिड का जो पार्टिकल है वो टाइटली पैक्ड है। आप अपने रूम के दीवार को देखो, आपके रूम के दीवार का शेप फिक्स है हमेशा, जानते हैं क्यों, क्योंकि उसके अंदर जितने भी ब्रिक है ना, जितने भी ईंट है, वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड है। अगर मैं इस दीवार से ब्रिक को हटाना शुरू कर दूं, इस दीवार से ब्रिक को निकालना शुरू कर दूं, तो इस दीवार का शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो याद रखिएगा, सॉलिड का पार्टिकल टाइटली पैक्ड होता है, जिसके वजह से सॉलिड का शेप फिक्स होगा। तो ये बात समझ में आ गया। चलिए तो अब हम लोग अगले प्रॉपर्टी पे आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इंटर मॉलिकुलर स्पेस इज वेरी वेरी स्मॉल। सॉलिड का जो इंटर मॉलिकुलर स्पेस होता है उसके पार्टिकल का, वो बहुत बहुत कम होता है, बहुत बहुत छोटा होता है। मैं समझाता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट, तो हमें ये जानना पड़ेगा ये इंटर मॉलिकुलर स्पेस क्या होता है, इंटर मॉलिकुलर स्पेस का डिफिनेशन क्या होगा। तो मैं बोलूंगा इंटर मॉलिकुलर स्पेस के बारे में, द स्पेस द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल, मतलब दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को इंटर मॉलिकुलर स्पेस कहते हैं। ये एक पार्टिकल ए, ये दूसरा पार्टिकल बी, तो दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये डी, उसी को बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर स्पेस। द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज कॉल्ड इंटर मॉलिकुलर स्पेस। तो जहां तक बात है सॉलिड का, तो सॉलिड के पार्टिकल के पास ना इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, इंटर मॉलिकुलर स्पेस बहुत ही कम होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस डायग्राम के मदद से, ये जितने भी स्फेरिकल पार्टिकल है इसके बीच में आप स्पेस देखो, बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर में स्पेस मिलेगा। जानते हैं क्यों, क्योंकि सॉलिड का पार्टिकल तो टाइटली पैक्ड होता है। मैंने ऑलरेडी बताया है कि सॉलिड का पार्टिकल सटा सटा हुआ होता है। तो अगर सॉलिड का पार्टिकल सटा सटा हुआ है तो सीधा मतलब है कि उसके बीच में स्पेस क्या होगा, कम होगा। तो इंटर मॉलिकुलर स्पेस इज वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि सॉलिड के दो पार्टिकल के बीच में इंटर मॉलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है। यही वजह है कि सॉलिड का जो डेंसिटी है वो ज्यादा होता है। देखिए एक बात बताइए, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, क्लियर है। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, स्पेस कैरिंग कैपेसिटी, स्पेस। तो आप यहां पर देख सकते हो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, मतलब अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो डेंसिटी घटेगा, और वॉल्यूम को घटाओगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, उल्टा होता है, ठीक है।
तो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम है, मतलब वॉल्यूम बहुत कम हो गया स्पेस का, पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है, पार्टिकल के बीच में जो वॉल्यूम है सॉलिड का वो बहुत ही कम है, तो वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या ज्यादा हो गया, डेंसिटी। तो अब अगला प्रॉपर्टी सॉलिड के बारे में क्या है, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। तो याद रखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉलिड का क्या है, कि सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, एक्सेप्शंस क्या है, जैसे प्लास्टिक हो गया, थर्मोकोल हो गया, ये ऐसा सॉलिड है जिसका डेंसिटी आपको कम होता है। एक्चुअली डेंसिटी आप कह सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का, जिसका फॉर्मूला होता है मास बटा वॉल्यूम। मास को वॉल्यूम से डिवाइड दीजिए तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकल के आएगा, और डेंसिटी डिटरमाइन करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में फ्लोट करेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में सिंक करेगा। जैसे मैं आपको बता दूं छोटे से एग्जांपल से, अगर मान के चलिए किसी फ्लूइड का डेंसिटी ज्यादा है किसी ऑब्जेक्ट के डेंसिटी से, किसी फ्लूइड का डेंसिटी ज्यादा है किसी ऑब्जेक्ट के डेंसिटी से, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो फ्लोट करेगा। मतलब ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, फ्लूइड के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। क्लियर है? अगर मैं इस मार्कर को पानी में फेंक दूं, अगर ये मार्कर पानी में फ्लोट कर रहा है, इसका सीधा मतलब है कि इस मार्कर का डेंसिटी पानी से कम है। क्लियर है? उसी तरह आप दूसरे केस में आप आ सकते हैं, अगर मान के चलिए कोई फ्लूइड है, क्लियर है, कोई फ्लूइड है, अगर फ्लूइड का डेंसिटी कम है किसी ऑब्जेक्ट के डेंसिटी से, अगर फ्लूइड का डेंसिटी कम है किसी ऑब्जेक्ट के डेंसिटी से, तो जो ऑब्जेक्ट है वो आपको वाटर में या किसी फ्लूइड में सिंक कर जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक, मतलब डूब जाएगा। अगर इस मार्कर का डेंसिटी ज्यादा है किसी फ्लूइड, पानी या किसी भी फ्लूइड के रिस्पेक्ट में, तो ये मार्कर उस फ्लूइड में, उस पानी में क्या होगा, डूब जाएगा। क्लियर है? चलिए अब अगले प्रॉपर्टी पे आते हैं। जैसे मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी बराबर है फ्लूइड के डेंसिटी के, तो क्या होगा, पार्शियल फ्लोट पार्शियल सिंक, मतलब वो ऑब्जेक्ट आधा तैरेगा आधा डूबा हुआ होगा। जैसे जितना मार्कर का डेंसिटी है, अगर उतना ही किसी फ्लूइड, मान लीजिए वाटर का डेंसिटी है, मार्कर को मैंने वाटर में फेंक दिया, तो मार्कर ना तो सिंक करेगा ना ही फ्लोट करेगा, मतलब आधा डूबा हुआ होगा और आधा तैर रहा होगा, कुछ इस जैसा कंडीशन। जैसे कि ये वाटर है, वाटर में मैंने एक ऑब्जेक्ट को डाल दिया, अब देखिए ना, अब ऑब्जेक्ट आधा सिंक है आधा डूबा हुआ है, आधा ये ऑब्जेक्ट पानी में क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा सॉलिड के पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, जिसके वजह से डेंसिटी ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी है किसका, सॉलिड का, आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, अब आप यहां पर देख सकते हैं सॉलिड है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। तो सॉलिड का शेप क्यों फिक्स होता है, क्योंकि सॉलिड का जो पार्टिकल होता है वो टाइटली पैक्ड होता है। तो अब आप यहां पर से देख सकते हो सॉलिड का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को तो छोड़ के जा नहीं रहा है, तो जिसकी वजह से जो पार्टिकल जहां है वो पार्टिकल वहां ही है, वही ही है, तो जिसकी वजह से सॉलिड का जो शेप है वो क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। सॉलिड का चूंकि पार्टिकल का पोजिशन फिक्स है, तो जिसकी वजह से सॉलिड का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा वो भी फिक्स होगा। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है और फिक्स है, जिसके वजह से वॉल्यूम भी सॉलिड के पास, सॉलिड का क्या होगा, फिक्स्ड होगा। क्लियर हो गया? अब अगला प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। कैसे कंप्रेस करेंगे, पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा तब ना कंप्रेस करेंगे। जैसे एक पार्टिकल यहां है दूसरा यहां है, इसको क्यों कंप्रेस कर रहे हैं, चूंकि इसके बीच में स्पेस है, ऑलरेडी दो पार्टिकल एकदम सट के है एक दूसरे से, तो कभी कंप्रेस हो सकता है नहीं ना। तो सॉलिड का पार्टिकल सटा हुआ होता है, उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, ना के बराबर में होता है, इसकी वजह से सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते अपने मस्कुलर फोर्स की मदद से। तो सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ फंडामेंटल फैक्ट है किसके बारे में, सॉलिड के बारे में। तो चलिए सॉलिड के बारे में और कुछ जानते हैं, आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हैं अगला प्रॉपर्टी क्या है, दी पार्टिकल ऑफ सॉलिड है लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। लीस्ट का मतलब होता है कम, सॉलिड के पार्टिकल के पास सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी मतलब के ई बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मैं हमेशा इसके बारे में चर्चा करता हूं, एक ऐसा एनर्जी
जो कि होता है मोशन के वजह से। एक्चुअली मोशन के वजह से जो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होता है, मूवमेंट के वजह से जो एनर्जी होती है उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी होने के लिए दो कंडीशन है, एक तो ऑब्जेक्ट के पास मास होना चाहिए m, और दूसरा ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होना चाहिए, तभी काइनेटिक एनर्जी होगा। तो वेलोसिटी का मतलब क्या, वेलोसिटी का मतलब मूवमेंट, मोशन, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप यहां पर देख सकते हो सॉलिड के पार्टिकल के पास सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होगा, इसका मतलब सॉलिड का पार्टिकल मूव नहीं करता है। मूव कोई भी चीज कब करेगा, जब वो अपने पोजीशन को चेंज करेगा। और जहां तक बात है सॉलिड का, तो जो सॉलिड का जो पार्टिकल होता है वो तो आपको टाइटली पैक्ड होता है ना, सॉलिड के पार्टिकल का तो पोजीशन फिक्स होता है। तो आप खुद सोच के देखिए, सॉलिड के पार्टिकल का पोजीशन फिक्स है तो सॉलिड का पार्टिकल कैसे मूव करेगा, जिसके वजह से सॉलिड के पार्टिकल के पास सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होता है। क्यों, क्योंकि उसका पार्टिकल फिक्स्ड होता है, सॉलिड का पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता है, दैट्स व्हाई। क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले प्रॉपर्टी पे, सॉलिड कैन नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। जी, सॉलिड को हम जिस कंटेनर में डालते हैं उस कंटेनर को सॉलिड कभी पूरी तरीके से फिल नहीं करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, क्या कीजिए कि एक कंटेनर ले लीजिए या एक बीकर ले लीजिए, ले लिए उसमें क्या कर दीजिए, टाटा सॉल्ट होता है ना, या कोई भी सॉल्ट, आप उसमें सॉल्ट डालना शुरू कर दीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं सॉल्ट क्या है, सॉल्ट तो सॉलिड है। एक टाइम ऐसा आएगा कि कंटेनर पूरा क्या होगा, भर जाएगा। अब आप उसको क्या कीजिए, दबाइए और उसमें सॉल्ट डालिए, फिर थोड़ा और दबाइए और सॉल्ट डालिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉल्ट उसमें नहीं डलाएगा। तो आप सोचिएगा कि ओ, ये जो कंटेनर ये पूरी तरीके से क्या हो गया, भर गया है, और मैंने इस कंटेनर को सॉल्ट से क्या कर दिया, भर दिया है, कंप्लीटली फिल्ड कर दिया है। इस गलत फहमी में मत रहिएगा, सॉलिड अपने कंटेनर के वाल को कभी 100% फिल नहीं करता है, उसमें कुछ ना कुछ स्पेस रह ही जाता है। तो सॉलिड कैन नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। सिमिलरली लिक्विड, लिक्विड भी अपने कंटेनर को पूरी तरीके से फिल नहीं करता है। सिर्फ गैस ही एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जो अपने कंटेनर को कंप्लीटली क्या करता है, फिल कर देता है। तो ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया, क्लियर हो गया। चलिए तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। परहैप्स आपने वीडियो को पॉज करके सारी चीजें नोट की होंगी। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज सॉलिड इज वेरी वेरी स्लो। सॉलिड में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो बहुत बहुत स्लो होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा डिफ्यूजन क्या होता है। एक्चुअली डिफ्यूजन का मतलब होता है द फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। किसी भी चीज का फ्लो हाई कंसेंट्रेशन, मतलब क्या, हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से किसी भी चीज का फ्लो जब लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन, किसी भी चीज का फ्लो जब आपको हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा उसी को कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे अगरबत्ती रूम के एक कॉर्नर पे जलाते हैं उसका स्मेल चारों तरफ चला जाता है। क्यों, क्योंकि जहां पे अगरबत्ती जलाया गया है वहां पर उसके स्मेल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, दूसरी जगह पर कम है, जिसके वजह से उसका स्मेल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है। क्लियर हो गया। तो सॉलिड में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो बहुत बहुत स्लो है। जानते हैं क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन तभी होगा जब पार्टिकल मूव करेगा, जब पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। मैंने पहले आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन के। क्या याद रखिएगा, जिस पार्टिकल के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो सॉलिड के पार्टिकल के पास कम काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि उसका पार्टिकल फिक्स होता है, नहीं मूव करता है। क्योंकि उसका पार्टिकल मूव नहीं करता है जिसके वजह से वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा लेकिन बहुत कम जाएगा, ना के बराबर में। तो सॉलिड का पार्टिकल चूंकि मूव नहीं करता है एक जगह से दूसरे जगह, वो फिक्स्ड होता है, जिसकी वजह से सॉलिड के पास रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है। क्लियर हो गया। एक लास्ट पॉइंट सॉलिड के बारे में सुन लीजिए। सॉलिड का पार्टिकल तो मूव नहीं करता है लेकिन अपने फिक्स्ड पॉइंट पर, अपने ओरिजिन पे सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करता है। मतलब जैसे मान के चलिए कि ये सॉलिड का पार्टिकल है, क्लियर हुआ। तो जो सॉलिड का पार्टिकल होता है ना वो अपने फिक्स्ड पॉइंट पर क्या होता है, केवल वाइब्रेट करता है, हल्का हल्का हिलता है।
सो द पार्टिकल ऑफ सॉलिड ऑनली वाइब्रेट ऑन इट्स फिक्स्ड पोजिशन. क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा, सॉलिड का शेप फिक्स होता है, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड फ्लो नहीं करता है, सॉलिड का पार्टिकल फिक्स होता है, केवल अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करता है, सॉलिड में रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत कम होता है. क्लियर है? सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते मस्कुलर फोर्स के मदद से, सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है प्लास्टिक थर्मोकॉल इन सबों को छोड़ करके. क्लियर है? तो ये सब सॉलिड का कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद.